हेलो फ्रेंड्स, मैं भी प्रजन आप सबका स्वागत करती हूँ ईश्वर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो टीचिंग की स्किल इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल यानी व्याख्या कौशल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल। हमारी टीचिंग प्रोसेस में एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। सभी टीचर्स अपने टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिससे कि क्या है, स्टूडेंट्स के वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी भी टीचर्स को अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते समय जब कोई टीचर एक्सप्लेन कर रही हो तो कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कोई टीचर्स को ध्यान रखनी चाहिए ताकि वे अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके और ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सके। तो ये सभी बातें क्या है, एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर आती है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है टू ब्रिंग क्लैरिटी, मतलब अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स को कब क्लियर होगा, जब स्टूडेंट्स के मन में उस टॉपिक को लेकर क्यों, कैसे, कब, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर कोई भी डाउट ना रहे, सभी डाउट क्लियर हो जाए, तब उनका जो टॉपिक हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज रीजनिंग और थिंकिंग पावर। मान लो आपने स्टूडेंट्स को बताया कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और स्टूडेंट्स ने सेम टू सेम नोट करके और उसको याद लर्न कर लिया, याद कर लिया, बिना ये सोचे समझे कि क्यों कैसे, तो क्या है, स्टूडेंट्स की याद करने की शक्ति तो बढ़ेगी लेकिन जो रीजनिंग पावर है, सोचने समझने की शक्ति है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। जब शिक्षक एक्सपेरिमेंट करके पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे कि पृथ्वी अपनी और आकर्षित क्यों करती है चीज़ों को, इसका क्या रीज़न है, तब एक स्टूडेंट का क्या है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट बात आती है टू डेवलप नॉलेज अबाउट कंटेंट। कंटेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने के लिए हम एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते हैं, ताकि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल के कंपोनेंट्स के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हम अपनी टीचिंग इफेक्टिव बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बातें करेंगे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बिगिनिंग स्टेटमेंट। टीचर्स को जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं तब उन्हें एक बिगिनिंग स्टेटमेंट देना चाहिए, जिससे क्या है, स्टूडेंट्स का ध्यान केंद्रित हो सके। सेकंड आता है एक्सप्लेनेशन लिंक। इस जो टीचर्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन देते समय बीच बीच में जो लिंक्स होते हैं एक्सप्लेनेशन के, उनको यूज़ करने चाहिए। लिंक्स कैसे, जैसे कि क्योंकि, इसीलिए, इसी कारण से, इस तरह के जो कुछ शब्द होते हैं जो हम एक्सप्लेनेशन लिंक की तरह यूज़ करते हैं, तो टीचर्स को इनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। टीचर्स जब अपनी बातों को एक्सप्लेन करें तो वे ध्यान रखें कि उनकी लैंग्वेज में एक फ्लुएंसी आनी चाहिए, यानी तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब एक फ्लो में होनी चाहिए जो भी वे अपनी बात को कह रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। एक्सप्लेनेशन में टीचिंग एड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीचर्स को चाहिए कि वे अच्छे से अच्छे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को ही एक्सप्लेन करना है तो हम उस का एक्सपेरिमेंट करके स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, जिससे क्या है, स्टूडेंट्स को और अच्छी तरह से उसके बारे में समझ में आ सकता है और हमें जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू क्लियर डिफिकल्ट वर्ड। एक्सप्लेनेशन करते टाइम हम बीच बीच में जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बीच बीच में जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो हमें उनको तुरंत क्लियर कर देना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने। बिल्कुल जो हम डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग हमें तुरंत बता देना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। हमें एक्सप्लेनेशन करते समय बीच बीच में हमें क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए स्टूडेंट्स से, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के कितना समझ में आ रहा है। लास्ट आता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जब हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहिए, जिसमें हमारे पूरी एक्सप्लेनेशन का एक कंक्लूजन मिल सके। अब बात आती है कि क्या क्या बातें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी एक्सप्लेनेशन टीचिंग के
दौरान, तो उसमें फर्स्ट आता है इरिलीवेंट स्टेटमेंट। टीचर्स को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो टॉपिक से रिलेट ना हो, इरिलीवेंट हो। नेक्स्ट आता है लैकिंग इन कंटिन्यूटी। जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, उसमें बीच बीच में उन्हें अटकना नहीं चाहिए, एक फ्लुएंसी में बिना किसी बीच में रुके कंटिन्यूसली बोलना चाहिए। लास्ट आता है डाउटफुल वर्ड्स एंड सेंग्स। हमें एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई भी डाउटफुल वर्ड्स और सेंग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए जिस पे हमें खुद ही डाउट हो, जिसके बारे में हमें खुद ही ना पता हो, खुद ही हम उसके बारे में डाउटफुल हों, तो ऐसे वर्ड और ऐसे सेंग्स का हमें यूज़। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।